सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों स्मार्टफोन्स तो हम सभी यूज करते हैं और यहाँ पर दोस्तों करते हैं वेट नए मॉडल्स के मार्केट में आने का कि भैया सैमसंग जो है वो लॉन्च कर चुका है नोट 8 को, एप्पल जो है वो लेके आने वाला है आईफोन 8 को, लेकिन यहाँ पर दोस्तों हमारा ये जो एक्साइटमेंट है क्या ये आके चल के 4-5 साल के बाद में ऐसे ही रहने वाला है? मतलब हमें दोस्तों अभी चाहिए कुछ ऐसी कमाल की टेक्नोलॉजीज जो बिल्कुल मतलब कुछ एकदम नया कर दे हमारे लिए। तो आज आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए और दोस्तों मैं आपसे बात करने वाला हूँ कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज के बारे में जो कि आने वाली है आपके फ्यूचर के स्मार्टफोन्स में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आप देखेंगे तो हमने पिछले कुछ सालों में काफी इंप्रूवमेंट किया है हर एक डिपार्टमेंट में, लेकिन फिर दोस्तों यहाँ पे कुछ एकदम ऐसा कमाल का नहीं हुआ है जिसको चलते दोस्तों हमारे मुंह से कुछ शब्द निकल ना पाए, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों हमने स्टेप बाय स्टेप ग्रो किया है, फिर चाहे वो डिस्प्ले की बात हो, चाहे वो कैमरा की बात हो, चाहे वो बैटरी की बात हो, लेकिन अभी दोस्तों कुछ एकदम कमाल होने वाला है आगे चल के और 3-4 साल 5 साल बाद में, बिकॉज दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे पेटेंट सामने आए हैं, बहुत सारे दोस्तों कॉन्सेप्ट उन पर काम चल रहा है। तो मतलब आगे दोस्तों कुछ ऐसा डिवाइस तो आने वाला है फिर चाहे वो कहीं से भी आए दोस्तों, कोई भी ऐसी कमाल की टेक्नोलॉजी जिसके चलते हम एकदम बोलेंगे वाव क्या काम किया है। तो यहां पे दोस्तों मैं आपसे बात करता हूं फोन्स में अलग अलग दोस्तों जो आपके मिलते हैं रीजंस, चाहे दोस्तों वो कैमरा की बात हो, चाहे वो डिस्प्ले की बात हो, चाहे वो डिजाइन की बात हो, चाहे वो प्रोसेसर की बात हो, चाहे वो बैटरी की बात हो, कि कैसे कैसे कहां कहां पे हम क्या क्या दोस्तों इंप्रूवमेंट जो है वो करने वाले हैं। तो यहां पर दोस्तों अगर मैं आपसे बात करता हूं सबसे पहले कैमरा के बारे में, तो भैया हम दोस्तों पहले तो भैया सिर्फ एक रियर कैमरा, वो भी VGA, उससे काम चलाते थे। उसके बाद दोस्तों आता है फ्रंट कैमरा, फिर आते हैं रियर ड्यूअल कैमरास, फिर आते हैं फ्रंट ड्यूअल कैमरास, और अभी दोस्तों जो चीजें हैं ये आपको धीरे धीरे बजट फोन्स में बहुत ज्यादा कॉमन होती हुई देखने को मिली रही हैं, जहां दोस्तों हम देखेंगे आगे चल के होने ये वाला है कि जो 10-12-15 हज़ार का फोन होगा वहां पर भी आपको ड्यूअल कैमरास देखने को मिलेंगे, फिर चाहे दोस्तों वो जूम के लिए हो, चाहे वो वाइड एंगल हो, चाहे वो पोर्ट्रेट शॉट के लिए हो। तो दोस्तों ये जो चीजें हैं वो तो आने वाली है बजट फोन्स में, लेकिन अगर मैं आपसे बात करता हूँ फ्लैगशिप फोन्स की, तो यहाँ पर दोस्तों बहुत ही ज्यादा जो कॉमन होने वाली चीज वो होगी 360 डिग्री का कैमरा, जहां पे आप दोस्तों बिना किसी एक्सेसरी को क्लिप करे डायरेक्टली अपने फोन से ही 360 डिग्री की फोटोज क्लिक कर पाएंगे, और यहां दोस्तों जो कॉन्सेप्ट वगैरह है वो भी तैयार है, और ये जो चीज है वो आपको आगे चल के बहुत जल्दी मोबाइल फोन देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहां पे जो कैमराज हैं वो कुछ ऐसा कमाल का काम करने वाले हैं, फिर चाहे दोस्तों आपने देखा होगा कि कैट का जो कैमरा है जहां पे आपको मिलता है दोस्तों एक तरीके से थर्मल कैमरा, तो वो दोस्तों चीजें भी और बड़े स्केल पे आने वाले हैं मोबाइल फोन्स में, और यहां पे आप फिर चाहे दोस्तों बात करते हैं इंफ्रारेड कैमराज हो गया, इसके अलावा दोस्तों यहां पे चाहे आप रेंज निकाल रहे हैं किसी चीज की, चाहे दोस्तों आप ऑगमेंटेड रियलिटी पे काम कर रहे हैं, तो वो जो चीजें हैं वो आप फोन कैमराज के थ्रू बहुत अच्छे से कर पाएंगे। फिर दोस्तों चाहे वो फ्रंट कैमरा है जो आपके फेस को पढ़ पा रहा है बहुत ही कमाल तरीके से, तो चीजें जो है दोस्तों वो डेवलपमेंट होंगे फ्लैगशिप फोन्स में, और आपको बजट फोन्स में भी ड्यूअल कैमराज वगैरह जो फीचर्स हैं वो बहुत ही कॉमन तरीके से देखने को मिल जाएंगे। मतलब इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा कि मतलब यार क्या ओ ड्यूअल कैमरा, ये बहुत ही कॉमन होने वाला है। दोस्तों अब मैं आपसे बात करता हूं फोन के डिजाइन की। तो देखो दोस्तों यहां पे डिजाइन में सबसे पहले जो चीज निकल के आती है जो आपने देखा है पिछले दोस्तों कुछ टाइम से वो है बेजललेस डिजाइन, तो ये भी दोस्तों बहुत ही ज्यादा कॉमन होने वाला है आपको देखने को मिलेगा अभी अपकमिंग आईफोन 8 में। उसके बाद दोस्तों सैमसंग जो है अपना काम कर रहा है इन्फिनिटी डिस्प्ले के साथ में, Xiaomi दोस्तों जो है वो लगा हुआ है Mi Mix के साथ में, और यहां पे दोस्तों जो बजट फोन्स हैं उनमें भी ये चीजें बहुत ही कॉमन होने वाली हैं, जहां पे आपको 10,000-12,000 के फोन्स के अंदर भी ऐसे दोस्तों डिजाइन देखने को मिलेंगे जो होंगे ऑलमोस्ट बेजललेस, और ये चीज भी आने वाले 2 साल के अंदर हो जाएगी, जो मतलब ये चीज एकदम कॉमन बन जाएगी कि अगर कोई हमको फोन दिखेगा बड़ी बेजललेस तो हमको लगता है अरे यार ये कितना पुराना है, मतलब हम इतने यूज टू हो जाएंगे दोस्तों इस टेक्नोलॉजी के साथ में कि वो चीजें भी आने वाली है मार्केट में बहुत ही बड़े स्केल पे। तो ये जो आपको दोस्तों डिजाइन मिलने वाला है बेजललेस फोन्स का, ये बहुत कॉमन होगा। और इसके अलावा यहां पर दोस्तों आपसे बात करता हूं 80:9 के एस्पेक्ट रेशियो की, तो वो भी बहुत कॉमन होने वाला है। इसके अलावा दोस्तों यहां पे शायद हम ट्रांसपेरेंट फोन्स की तरफ भी आगे बढ़ सकते हैं। अब वो बजट फोन्स दोस्तों ऑब्वियसली नहीं होंगे यहां पे, वो होंगे काफी महंगे, लेकिन यहां पे हम इनकी तरफ भी आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि यहां पे अगर हम दोस्तों इंप्रूवमेंट करते हैं बाकी सभी चीजों में, चाहे वो बैटरी हो, चाहे दोस्तों फोन के बाकी इंटरनल्स, तो हम डेफिनेटली ट्रांसपेरेंट फोन्स भी बना पाएंगे। दोस्तों इसके बाद मैं आपसे बात करता हूं फोन की बैटरीज को लेकर। अब यहां पर देखो दोस्तों हमने क्या किया, जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाते जा रहे हैं, काफी ज्यादा हमने बढ़ा लिया है। यहां पर जो चार्जिंग स्पीड है हमने उसको काफी ज्यादा बढ़ा लिया है। यहां पर दोस्तों मैं आपसे बात करता हूं OnePlus के डैश चार्जर वगैरह की, लेकिन फिर भी ना बैटरी जो चीज है वो मतलब क्या ना उसमें लिमिटेशन है, तो मतलब है। तो यहां दोस्तों आगे चल के हम जो है वो ट्रू वायरलेस चार्जिंग की बात करते हैं, जहां पे हम वाईफाई के थ्रू बैटरी को चार्ज कर पा रहे हैं, हम डायरेक्टली रेडियो वेव्स के थ्रू बैटरी को चार्ज कर पा रहे हैं, तो जो आपकी दोस्तों बैटरीज हैं वो शायद इतनी बड़ी उनको रहने की जरूरत ना पड़े, बिकॉज आप जो है वो दोस्तों हमेशा अपने फोन को चार्ज ही कर रहे हैं, तो वो बहुत पतली हो सकती है दोस्तों, बहुत ज्यादा एकदम अलग शेप में आ सकती है,
सकती हैं, हो सकता है आपके फोन में दोस्तों नीचे की तरफ कहीं बस एकदम पतले में फिट हो जाए, बाकी आपका पूरा फोन ट्रांसपेरेंट बन जाए, तो वो चीजें आने वाली हैं। और यहां पे डेफिनेटली वो चीजें ना भी हो एक बार को तो भी एटलीस्ट दोस्तों जो ट्रू वायरलेस चार्जिंग है, जहां पे आप अपने कमरे में घुसे अपने फोन को लेके और आपका फोन दोस्तों जो अपने आप है चार्ज होना शुरू हो जाएगा, वो चीजें भी हम बहुत जल्दी देखेंगे दोस्तों आगे चल के फ्यूचर में, और ये बहुत बहुत कॉमन तरीके से होने वाली है दोस्तों। इसके अलावा मैं आपसे बात करता हूं अगर फोन के प्रोसेसर की, तो यहां तो भैया हमने दोस्तों बहुत ज्यादा कमाल किया है पिछले कुछ सालों में। मतलब आप खुद याद करें देखो तो कि मतलब 3-4-5 साल पहले क्या था और आज आपका दोस्त फोन है वो कितना ज्यादा पावरफुल बन गया है। और ये दोस्तों चीजें जो है वो आगे चल के और ग्रो करने वाली है जब मैं आपसे बात करता हूं और हाई एंड प्रोसेसर्स की और दोस्तों कमाल की मेमोरी चिप्स की। तो यहां पे आपका जो फोन है वो इतना अच्छा केपेबल बन जाएगा काम करने के लिए कि शायद आप एक एक्स्ट्रा लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप कैरी ना करें। जैसे दोस्तों हमने देखा है, मान लीजिए कि विंडोज में होता है कि आपने कनेक्ट किया फोन को डॉक में, आप जो है उसको एज ए लैपटॉप कंप्यूटर काम में ले रहे हैं, या फिर दोस्तों इनफैक्ट जैसे कि सैमसंग में आपको मिलता है डेस्क स्टेशन, तो आगे चल के ऐसा ही होने वाला है कि आपके फोन की जो पावर है वो आप एज अ कंप्यूटर दोस्तों शायद काम में ले पाएंगे। और ये भी काम कुछ 2-3-4 साल बाद दोस्तों एकदम बहुत कॉमन होने वाला है, जहां पे मतलब इतना फोन आपका पावरफुल बन जाएगा कि जो आपका लैपटॉप काम कर रहा है शायद वो काम अपने फोन से कर पाए। हाँ, वो उसके अंदर आप नहीं कि GTA 5 खेलेंगे दोस्तों एकदम अल्ट्रा सेटिंग्स में, लेकिन एटलीस्ट आप काफी चीज अपने वो काम कर पाएंगे। और यहां पे इसका दोस्तों जो साइज है वो चिप्स का इतना छोटा होता जाएगा कि हम बात करते हैं मान लीजिए कि 1 TB वाले फोन की, 16 GB रैम वाले फोन की, 32 GB रैम वाले फोन की, तो मतलब वो चीजें भी और आने दोस्तों 5 साल के अंदर शायद हम बड़े आराम से अचीव कर लेंगे दोस्तों। इसके बाद मैं आपसे बात करता हूं फोन के डिस्प्ले की। तो यहां पे भैया मोटोरोला वगैरह दोस्तों जो है वो पेटेंट लगा के बैठे हैं कि आपका जो स्क्रीन है वो टूट गया तो वो अपने आप कैसे ठीक हो जाएगा, या फिर जो स्क्रीन दोस्तों है वो मान लीजिए टूटेंगे ही नहीं, तो वो जो चीजें वो भी हम इंप्रूव करने वाले हैं कि कैसे हम ये पक्का करेंगे कि जो आपका फोन है वो पक्का मजबूत बना रहे, तो वो चीज भी बड़े आराम से होगी। और इसके अलावा दोस्तों इनफैक्ट क्या पता आपका फोन ही ना रहे, यहां पे जो है वो बन जाए दोस्तों आपकी बॉडी को इस तरह चाहे दोस्तों वियरेबल बैंड बन जाए जहां पे दोस्तों को एकदम ऐसे प्रोजेक्शन वाला स्क्रीन निकल के आता हो। मतलब कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे हैं और ये जो चीजें हैं ये आने वाले और 4-5 साल में हो जाएंगी। मतलब दोस्तों आप सोच के देखो कि आने वाले 5 सालों में क्या क्या चीजें होने वाली है। भाई कुछ टाइम पहले तक आपका फोन कैसा था, आज वो कैसा है, और दोस्तों आगे चल के जब मैं आपसे बात करता हूं मान लीजिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, दोस्तों बात करते हैं मशीन लर्निंग की, जहां पे आप बस बोल रहे हैं आपका सारा काम हो रहा है, फिर चाहे दोस्तों आप हिंदी में बोल रहे हो चाहे बोल रहे हो मराठी या गुजराती में, मतलब वो सब चीजें हम करेंगे डेफिनेटली होने वाली है, जहां पे आप इतना आसानी से अपने फोन को यूज कर पाएंगे कि आपको शायद बटन दबाने की जरूरत नहीं है, आपको टच करने की जरूरत नहीं है, आप बस कुछ बोल रहे हो वो अपना काम अपने आप कर रहा है, या फिर आपके लिए दोस्तों जो टास्क हैं वो अपने आप सामने निकल के आ रहे हैं, आपका फोन जो है वो जानता है कि आप कब क्या करते हैं तो वो अपने आपके लिए वो काम कर रहा है, तो वो चीजें भी होने वाली है। और यहां पर दोस्तों हर एक फील्ड में हम इंप्रूवमेंट करने वाले हैं, फिर चाहे वो डिजाइन हो, डिस्प्ले हो, बैटरी हो, प्रोसेसर हो, या फिर दोस्तों कैमरा। आप मुझे बताओ कि आपको दोस्तों सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट कहां चाहिए अपने फोन में, और अगर आपको एक फीचर ऐड करना हो अपने फोन में तो वो इनमें से क्या होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक शेयर नहीं किया है तो लाइक भी दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी ही इंटरेस्टिंग टेक वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।